Audio Jungle. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसडी कैंपस आगरा पर। हम प्रॉफिट एंड लॉस में एक क्लास पहले पढ़ चुके हैं, उसमें हमने प्रॉफिट एंड लॉस के सारे कंसेप्ट को समझा और बेसिक जाना। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हमसे प्रीवियस ईयर के एग्जामों में पूछे गए हैं और या आने वाले एग्जामों में पूछे जा सकते हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो चलते हैं आज की क्लास के कुछ और क्वेश्चनों पर जो लाभ और हानि से ही रिलेटेड है और बेसिक कंसेप्ट पर ही आधारित है, जो कंसेप्ट मैंने पहले पीछे वाली क्लास में आपको पढ़ाया है। ठीक है, तो जो विद्यार्थी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो पहले वो देखें तब इसको देखें, ठीक है, तो अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखने लग गया होगा, मैं पढ़ के बता देता हूं क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 678 रुपए है, यदि लाभ प्रतिशत 13% हो तो वस्तु को 12% हानि पर बेचने पर विक्रय मूल्य क्या होगा। यहां पर जो क्वेश्चन है, पीछे वाली क्लास में जो हमने क्वेश्चन पढ़े थे उससे बस थोड़ा सा एक स्टेप आगे वाले क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। तो देखो भाई, पहले वाले क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चनों को जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है। मैंने परसेंटेज को धीरे धीरे आपको इसीलिए कराया था भाई, परसेंटेज को मैंने धीरे धीरे आपको इसीलिए कराया था जिससे आपके यहां पर सारे परसेंटेज से रिलेटेड कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। अब आपके सारे क्लियर मैंने वहां पे करा दिए हैं कि +20% का मतलब क्या होता है, -20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब क्या होता है, ये सारी चीजें बता दी हैं। तो वहां वृद्धि की जगह पर प्लस की जगह पर यहाँ लाभ होगा, हानि की जगह पर वहां जो कमी थी उसकी जगह पर यहाँ हानि होगी। चेंज जो है क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका नहीं बदलेगा। तो पीछे की क्लास में जो क्वेश्चन पढ़े हैं उनसे ही इंटरलिंक क्वेश्चन है। तो देखो पहला क्वेश्चन में क्या कहा है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य दिया भाई 678, एक वस्तु का सेलिंग प्राइस दिया है, एक वस्तु का सेलिंग प्राइस दिया है 678 और ट्रांजेक्शन का रिजल्ट दिया है। रिजल्ट का मतलब लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट। तो ट्रांजेक्शन के रिजल्ट में उसने हमें लाभ प्रतिशत दिया है और कहा है कि उसने 13% का लाभ कमाया, ये उसने हमसे कहा है। बात को बिल्कुल ध्यान से समझना। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, फिर उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि वस्तु को 12% हानि पर बेचने पर विक्रय मूल्य क्या होगा। ऐसे क्वेश्चनों में क्या होता है कि पहले आपको ट्रांजेक्शन का एक्चुअल रिजल्ट दिया जाता है, बाद में एक संभावना दी जाती है। तो बाद में उसने संभावना दी है कि इस आर्टिकल को पहले 678 में बेचा गया तो 13% का लाभ हुआ, तो पहले तो यहीं से इसका सीपी निकाल लेते हैं फिर बांध के ट्रांजेक्शन को बाद में देखते हैं। तो पहले यहां से इसका सीपी निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, +13% लाभ कह रहा है तो +13% बनेगा, और +13% बनेगा तो इसका मतलब 13% की फ्रैक्शन वैल्यू 13/100 होती है, प्लस करके बनाएंगे तो ये हो जाएगा 113/100। ऊपर जो 113 है ये सेलिंग प्राइस का रेशियो होगा, ये सीपी का होगा, क्यों होगा वो मैं पीछे की क्लास में बता चुका हूं, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। तो 113 रेशियो का मान कितना दिया है, 113 रेशियो का मान हमें बराबर दिया है 678 के। एक रेशियो का मान निकालेंगे तो 113 से ये 6 बार कट जाएगा, एक रेशियो का मान 6। सीपी के लिए 100 रेशियो का मान निकालेंगे तो मल्टीप्लाई 6, तो इसका मतलब आर्टिकल का सीपी आ जाएगा 600, इसका मतलब आर्टिकल का सीपी आ गया 600। अब क्वेश्चन में आगे बढ़ो, अब उसने कहा है कि यदि वह इस आर्टिकल को 12% हानि पर बेचे, मतलब अब 12% लॉस पर बेचेगा तो -12%, 12% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो 12% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/25, लेकिन हाल ही है तो 25 में से 3 को घटाकर फ्रैक्शन बनेगा 22/25। इसका मतलब नीचे होगा सीपी, ऊपर होगा एसपी। अब हमें नया एसपी बताना है, सीपी पता है 600, तो 25 रेशियो का मान बराबर होगा 600 के, 25 से इसको कैंसिल करेंगे, 25 दूनी 50, 25 चौका 100, 24 बार कट जाएगा, नया सीपी निकालेंगे, नया एसपी निकालेंगे
तो मल्टीप्लाई 24 दुनी 48, 48 हो जाएगा 8, 4 बचेगा 24 दुनी 48 और 4 52, तो नया सीपी आ जाएगा आपका 528 रुपए। तो हमारा नया सीपी कितना आ जाएगा 528, कौन सी ऑप्शन पे है भाई, डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, पहले वाला जो प्रॉफिट परसेंट दिया था उससे मैंने पहले एसपी और सीपी का रेशियो बना लिया, एसपी सीपी में से क्या दिया था हमें एसपी दिया था तो एसपी से सीपी निकाल लिया, फिर उसके बाद दूसरे वाले ट्रांजैक्शन से मैंने एसपी सीपी का रेशियो बना लिया दूसरे वाले केस में, तो एसपी सीपी का रेशियो बन गया। सीपी 25 का रेशियो हमें पता था 600, 22 रेशियो का मान निकाल के नया विक्रय मूल्य आ गया 528। ऐसे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। उसके अलावा आप इस क्वेश्चन को परसेंटेज से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो फ्रैक्शन में और परसेंटेज में कोई अंतर नहीं है, मैंने आपको बताया था, बस डिफरेंस क्या है कि जब परसेंटेज मान परफेक्ट में हो 20 25 13 12 तो आप चाहे फ्रैक्शन से कर लो चाहे वैसे कर लो कोई भी अंतर क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर नहीं आएगा, लेकिन जब फ्रैक्शन परसेंटेज में पॉइंट में दिया जाता है 27.27%, 44.44%, तो वहां पर फिर आप जो है सीधा क्वेश्चनों को नहीं पढ़ पाएंगे, उस केस में आप फ्रैक्शन से जो है क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो इस क्वेश्चन को मैं ऐसे भी कर सकता था, इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकता था कि किसी भी आर्टिकल का जो सीपी होता है वो होता है 100%, उस पे 13% का लाभ हो रहा है, देखो 13% का लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब एसपी निकालेंगे तो एसपी होता है सीपी प्लस प्रॉफिट, तो कितना हो जाएगा एसपी 113%, 113% का मान उसने हमें 678 दिया है, तो एक रेशियो का मान कितना हो गया 13.78, 6, तो सीपी कितना हो जाएगा हमारा, तो सीपी हो जाएगा 600। अब उसके बाद 12% लाभ 12% हानि का एसपी बताना है, तो 12% हानि का एसपी कितना बनेगा, तो 12% हानि का मतलब 3/25 घटाकर लिखेंगे तो 22/25, बात वही आ जाएगी, 25 से कैंसिल करेंगे 24 बार 24 दूनी 48 8 4 48 और 4 52 528 हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आप चाहें तो सीपी को 100% मान के भी इस क्वेश्चन को तो कर सकते हैं भाई, लेकिन जब परसेंटेज आपका फ्रैक्शन में दिया हो तो आप ऐसे ही सॉल्व करें जैसे मैंने लिखा है। मैं इसी क्वेश्चन को मात्र एक लाइन में फिनिश कर सकता हूं, इसमें से बहुत सारी लाइनें मैं काट सकता हूं, और वो लाइनें कैसे कटेंगी वो मैं उन स्टूडेंटों के लिए बता देता हूं जो लाइनें काट पा रहे हैं। करना पड़ेगा उसके लिए आपको कुछ बातें याद रखनी पड़ेंगी, कुछ बातें याद रखने का मतलब मेरा क्या है, पहले देखो क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं बाद में बताऊंगा, पहले आपको एक चीज बता देता हूं, जैसे लाभ परसेंट का फ्रैक्शन क्या बनता है भाई, तो लाभ परसेंट प्रॉफिट परसेंट का फ्रैक्शन बनता है P/100, तो अगर हम इसमें एसपी सीपी का रेशियो निकालते हैं तो लाभ में जोड़कर निकालते हैं तो वो बनता है आपका 100+P/100, ठीक है, ऐसे बनता है कि नहीं बनता। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर, तो ये एसपी सीपी का रेशियो होता है, तो एग्जाम्पल के तौर पर मान के चलो हमें सीपी दिया हो और हमें एसपी निकालना हो, तो सीपी कितने रेशियो का मान होगा 100 रेशियो का, तो सीपी जो है वो कितने रेशियो का मान होगा, तो सीपी आपका मान होगा भाई 100 रेशियो का, मान किसके बराबर होगा सीपी, तो 1 रेशियो का मान कितना होगा, तो आप कहेंगे कि 1 रेशियो का मान होगा CP/100। मैं कहूं विक्रय मूल्य बताइए तो आप कितने का निकालेंगे, 100+V रेशियो का मान, तो 100+P रेशियो का मान आप निकालेंगे तो वो आ जाएगा CP×100+P/100। तो यहां से एक रिजल्ट हमारे पास निकल के आ गया कि जब कभी भी हमें किसी भी आर्टिकल का सेलिंग प्राइस निकालना होगा तो सीपी में हम उसके फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई कर देंगे SP/CP का, जब यहां सीपी होगा तो बटे में सीपी का रेशियो रहेगा, मल्टीप्लाई में एसपी का रहेगा, जो निकालना है उसका रेशियो मल्टीप्लाई में रहेगा और जो दिया है उसका रेशियो हमेशा नीचे रहेगा, बस आपको यह बात याद रखनी है। तो सीपी से एसपी और एसपी से सीपी आप डायरेक्ट निकाल पाएंगे, डायरेक्ट कैसे निकाल पाएंगे ये तो मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल बेसिक सी बात। अब मैं आपको एक परसेंटेज लेके बता देता हूं कि डायरेक्ट आप कैसे निकालेंगे, तो हम सीपी से एसपी निकालेंगे पहले, फर्स्ट वाले केस में हम सीपी से फाइंड आउट करेंगे एसपी, सीपी टू एसपी चलेंगे, ठीक है। तो जैसे मान के चलो हमें उसने कहा 20% का लाभ, तो सबसे पहले हम 20% लाभ का फ्रैक्शन बनाएंगे तो वो बनेगा 6/5, ठीक है, हमें पता है ऊपर वाला एसपी का होता है नीचे सीपी का होता है, लेकिन ये बात नहीं समझनी, आपको ये बात समझनी है कि सीपी से एसपी डायरेक्ट कैसे निकालें। तो सीपी में जब मैं इस फ्रैक्शन का सीधा 6/5 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो सीधा हमारे पास एसपी आ जाएगा यहां से निकल के,
फ्रैक्शन का सीधा मल्टीप्लाई कर दूंगा, प्लस 20% प्रॉफिट का मैं फ्रैक्शन बनाऊंगा तो उसका सीधा सीपी में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एसपी कर आ जाएगा। उसके लिए मैंने पहचान बताई थी कि अगर सीपी से एसपी निकालना है तो जो दिया है उसका रेशियो नीचे आएगा, तो देखो 5:5 सीपी का है तो वो नीचे आ गया और जो पूछा है उसका रेशियो ऊपर मल्टीप्लाई होगा। तो जब कभी भी हम लाभ परसेंट का फ्रैक्शन मान बनाएंगे उस फ्रैक्शन का सीधा सीपी में मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास सीधा एसपी आ जाता है। ऐसे ही मान के चलो 20% हानि दी होती तो हानि के केस में फ्रैक्शन घटाकर बनता 4/5। फिर बात वही कि सीपी में मैं अगर इस फ्रैक्शन का 4/5 का सीधा मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमारे पास सीधा एसपी निकल के आ जाएगा, विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, बात को बिल्कुल बारीकी से समझते चलना। तो सीधा एसपी आ जाएगा, लेकिन अगर हमें यह सेकंड केस है, अगर हमें मान के चलो एसपी से और सीपी निकालना हो तो एसपी टू सीपी, अगर हम एसपी टू सीपी चले मतलब उल्टा चले, यहां सीपी से एसपी चल रहे थे, यहां एसपी टू सीपी चले और उसने ट्रांजैक्शन में हमें 20% लाभ दिया है तो 20% का फ्रैक्शन बनाने तक तो सॉल्यूशन 6/5 सेम रहेगा। लेकिन अब हम रिवर्स जा रहे हैं, एसपी से सीपी निकाल रहे हैं, इसका मतलब सेलिंग प्राइस दिया है, सीपी निकाल रहे हैं तो उल्टा जा रहे हैं, तो फ्रैक्शन का भी उल्टा करके मल्टीप्लाई करेंगे 5/6 तो हमारा डायरेक्ट सीपी आ जाएगा, डायरेक्ट सीपी आ जाएगा फ्रैक्शन का उल्टा करके मल्टीप्लाई करेंगे। उल्टा क्यों किया फ्रैक्शन को, क्योंकि मैंने आपको एक बात बताई है कि जो चीज दी है उसका रेशियो नीचे आएगा, तो एसपी का रेशियो कौन सा है 6 और सीपी का रेशियो कौन सा है 5, तो हमें एसपी दिया है तो उसका रेशियो नीचे आएगा, पूछा क्या है सीपी, उसका रेशियो मल्टीप्लाई में आएगा, वो वाली बात मैंने यहां भी बताई थी। तो बस यहां से आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब सीपी से एसपी की तरफ चलेंगे मतलब सीधे चलेंगे तब तो फ्रैक्शन का सीधा मल्टीप्लाई करेंगे और फ्रैक्शन बनता कैसे है वो हमें पता ही है, परसेंटेज से सीखता आ रहे हैं। और जब एसपी से सीपी चलेंगे उल्टा चलेंगे लौटेंगे तो फ्रैक्शन का उल्टा करके मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये दो बात आपकी समझ में आ गई तो क्वेश्चन को हम एक लाइन में फिनिश कर सकते हैं, जो पहला क्वेश्चन है। ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन में पहले ये देखो दिया क्या है, ₹678 विक्रय मूल्य दिया है। तो देखो पहला क्वेश्चन ₹678 विक्रय मूल्य दिया है, इसका मतलब विक्रय मूल्य से पहले सीपी में जाना पड़ेगा, उल्टा जाना पड़ेगा, और कितने परसेंट लाभ हो रहा है 13%, तो 13% लाभ की फ्रैक्शन वैल्यू 13/100, तो फ्रैक्शन बनेगा 13% लाभ का फ्रैक्शन बनेगा 113/100। लेकिन हमें एसपी है, ये वाला जो दिया है ये क्या है भाई, ये वाला जो दिया है ये क्या है, तो आप कहेंगे सर सेलिंग प्राइस है, हमें सेलिंग प्राइस को सीपी में बदलना है तो उल्टा आना है, तो फ्रैक्शन का उल्टा मल्टीप्लाई करेंगे 100/113। उसके बाद ये सीपी बन गया, यहां से लेके यहां तक ये एसपी जो था ये किस में कन्वर्ट हो गया, यहां से लेके यहां तक ये सीपी में कन्वर्ट हो गया। अब उसने कहा है कि इसको 12% हानि पर बेचा जाए, इसका मतलब 12% लॉस का फ्रैक्शन कितना बनेगा, तो 12% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/25 घटाकर बनेगा 22/25। अब हमें क्या करना है, सीपी से नया एसपी निकालना है, मतलब सीपी से एसपी निकालना है, सीधा चलना है, तो फ्रैक्शन का सीधा मल्टीप्लाई करेंगे 22/25, फ्रैक्शन का सीधा मल्टीप्लाई करेंगे 22/25। क्वेश्चन खत्म हो गया, 113 से 6 बार कट गया भाई, 25 से 4 बार कट गया, आगे आपका 2288 मल्टीप्लाई 6, 8 × 6 = 48, 4 × 5 = 28, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है भाई, तो अगर ये वाली बात आपको समझ में आई होगी तो आप इस क्वेश्चन को एक ही लाइन में फिनिश करके आंसर कर देंगे 528। मैंने आपको इस क्वेश्चन को करने के सारे तरीके बता दिए बिल्कुल तरीके से। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए होगा, उसको आप खुद सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों आज की क्लास का सेकंड क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए है। पहला क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए, इसको आप करने की कोशिश करेंगे। तो देखो दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक बार मैं पढ़ के बता देता हूं। एक व्यापारी एक वस्तु को यदि 1912 रुपए में बेचता है, 2912 रुपए में बेचता है, तो उसे 27.27% का लाभ होता है, तो 23/1/13% लाभ पर बेचने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए, ये क्वेश्चन है दूसरा। करेंगे भाई क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, देखो मैं बता देता हूं, जो मैंने आपको पीछे कराया है उसी पर आधारित है। मैं जब भी क्वेश्चन लेता हूं, जैसे मैंने परसेंटेज कराया था आपको, तो पहले एक क्वेश्चन में आपको बताता था, उसके बाद सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए रखता था, वही काम मैं यहां कर रहा हूं। पहले आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा, फिर आपकी प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन रखूंगा, जो ये दूसरा है। तो इस वाले में कितने रुपए में, एक वस्तु को 2912 रुपए में बेचने पर, इसका मतलब
1912 रुपए क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए 1912 रुपए क्या है, तो आप कहेंगे कि सर 1912 रुपए में आर्टिकल को बेचा गया है, इसका मतलब ये सेलिंग प्राइस होगा, और इतने में बेचने पर उसे क्या हुआ है ये देखेंगे। तो इतने में बेचने पर उसे 27.27% का लाभ हुआ है, तो 27.27% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो ये जो फ्रैक्शन है 9.09% से बना है, जिसका फ्रैक्शन होता है 1/11, ये उसका कितने गुना है? तो आपको दिख रहा होगा कि सर 3 गुना है, तो इसका फ्रैक्शन भी बन जाएगा 3/11। लाभ की बात कर रहा है तो तो इसका मतलब फ्रैक्शन कितना बनेगा? 14/11। लेकिन हमें क्या करना है, एसपी से सीपी निकालना है, तो उल्टा चलना पड़ेगा, तो इसको करेंगे हम 11/14। एक बार बात को ध्यान से समझ लेंगे, 27.27% लाभ की बात कर रहा है, तो 3/11 फ्रैक्शन बनेगा, लाभ है तो प्लस करके बनेगा, तो 11 और 3 14/11। इस फ्रैक्शन का मैं सीधा मल्टीप्लाई करता अगर मुझे सीपी से एसपी की तरफ जाना होता, लेकिन मुझे जाना है सेलिंग प्राइस से सीपी की तरफ, तो मैंने इसका उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दिया 11/14। तो यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक जो वैल्यू है ये हमारा कॉस्ट प्राइस बन गया। अब उसके बाद अब इस कॉस्ट प्राइस पर वो कह रहा है 23/1/13% लाभ। एक दूसरा फ्रैक्शन दिया है 23/1/13%, तो आपको उसके लिए इसका फ्रैक्शन मान निकालने के लिए 1/13 पता होना चाहिए। 1/13 का फ्रैक्शन होता है 7/9/13। देख लो ये इसका कितने गुना है, तो 7 21 9 27, 13 2 26, मतलब 3 गुना है, तो इसका मतलब इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 3/13। लाभ कह रहा है कि हानि ये देख लेंगे, तो वो ये कह रहा है कि लाभ, इसका मतलब लाभ का फ्रैक्शन बनेगा 16/13। लाभ का फ्रैक्शन 16/13, अब हमें इसे विक्रय मूल्य में बदलना है, तो फ्रैक्शन का सीधा मल्टीप्लाई करेंगे 16/13, तो यहां से हमारा सीधा एसपी आ जाएगा। तो देखो कर लेते हैं कैलकुलेट, तो देखो 2 से इसको कैंसिल कर लेते हैं 7 बार, और 2 से इसको कैंसिल कर लेते हैं 8 बार, 7 से इसको कैंसिल कर लेते हैं, तो ये कट जाएगा 7 × 28, 1 बचेगा 11, 7 से 1 बार 7 × 42, 13 से इसको कैंसिल कर लेते हैं, 13 3 39 और 13 2 26, बस हो गया कैलकुलेट, तो आंसर आ जाएगा हमारा 32/32 मल्टीप्लाई 11 कितना हो जाएगा 2 5 और 3। 2 5 और 3 कैसे कर लिया, कि जब किसी भी नंबर को हम 11 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 2 और 3 और 2 5 और 3 ऐसे करते हैं, और मल्टीप्लाई 8 8 2 16, 6 हो जाएगा, 8 5 40, 8 2 16, 1 बचा 40 और 1 41, 1 4 बचा, 8 3 24 और 4, 2816 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो 2816 कौन सी ऑप्शन पे है भाई, बी ऑप्शन पे है, तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो मैंने एक ही लाइन में क्वेश्चन को फिनिश कर दिया, एक ही लाइन में मैंने क्वेश्चन को फिनिश कर दिया। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चनों को आपको करना है, सीधा एक ही लाइन में फिनिश करना है। कैसे करना है, अगर एसपी दिया है तो फ्रैक्शन का उल्टा करके मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये सीपी बन जाएगा, फिर हम एसपी बनाएंगे तो फिर फ्रैक्शन का सीधा मल्टीप्लाई करेंगे। सीपी से एसपी चलेंगे तो सीधे चलेंगे, डायरेक्ट चलेंगे, सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, और जब एसपी से सीपी चलेंगे तो इनडायरेक्ट चलेंगे और उल्टा करके मल्टीप्लाई करेंगे। भाई जल्दी से जल्दी चीजों को करना है, तो ये चीजें भी आपको याद रखनी पड़ेंगी, तब आप फास्ट हो पाएंगे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों आज की क्लास का तीसरा क्वेश्चन, आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा और मैं पढ़ के बता देता हूँ तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, एक व्यापारी एक वस्तु को 3504 रुपए में बेचता है, उसे 9.5% लाभ होता है, तो 6% हानि पर बेचने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना पड़ेगा? बिल्कुल तीसरा क्वेश्चन सेम जो मैंने पीछे 2 क्वेश्चन कराए उसी प्रकार का है भाई, ये हो जाना चाहिए, करने की कोशिश करेंगे इसको, फिर मैं बताने के लिए तो यहां हुई, तीसरे क्वेश्चन को आप लोग खुद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखो मैं बता देता हूं क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अभी मैंने बताया, इसमें कह रहा है एक व्यापारी एक वस्तु को 3504 रुपए में बेचता है, तो 3504 रुपए क्या दिया है भाई, तो 3504 रुपए दिया है विक्रय मूल्य, तो आप कहेंगे कि सर ये सेलिंग प्राइस दिया है, हमें इसको कॉस्ट प्राइस में बदलना पड़ेगा, तो फ्रैक्शन का उल्टा करके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एसपी से सीपी चलेंगे, तो फ्रैक्शन बना लो पहले। तो इस ट्रांजेक्शन में 9.5% का लाभ हो रहा है, तो इस वाले ट्रांजेक्शन में लाभ हो रहा है प्लस 9.5% का, तो इसका पहले फ्रैक्शन मान बना लो, तो 9.5 9 से ही 1/2 हो जाएगा, 19/ आपका आ जाएगा ये 19/200, इसका फ्रैक्शन बनेगा 19/200,
इसका फ्रैक्शन आपका ये बनेगा। लाभ हो रहा है 19/200 बनेगा। आप इसको बना सकते हैं 9 से 1/9 = 18, 19/2 और परसेंट को उठाएंगे 100। लाभ हो रहा है तो इसका मतलब प्लस करेंगे तो सीधा रेशियो हमारा बनेगा 219/200। पहले हम बना लेते हैं फिर उसके बाद देखेंगे, ठीक है। लेकिन ये 219/200 बन रहा है, लेकिन हमें एसपी से सीपी बनाना है, तो एसपी से सीपी बनाना है तो फ्रैक्शन का उल्टा करके मल्टीप्लाई करेंगे, तो फ्रैक्शन का उल्टा करके मल्टीप्लाई करेंगे तो 200/219। देखो उधर से कॉपी कर रहा हूं, बात को बिल्कुल ध्यान से समझना। अगर आप फ्रैक्शन डायरेक्ट नहीं बना पाते तो आप ऐसे साइड में बना लें, तब क्वेश्चन में रख लें, और जो स्टूडेंट डायरेक्ट बना सकता है ये बहुत अच्छी बात है, डायरेक्ट बना लें आप, ठीक है। अब उसके बाद क्या कह रहा है, बाद में आगे पढ़ते हैं। आगे कह रहा है 6% हानि पर बेचने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना पड़ेगा, मतलब 6% हानि के लिए। तो 6% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 3/50। 6% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/50। हानि कह रहा है तो माइनस, तो फ्रैक्शन कितना बचेगा, बनेगा 47/50। अब हमें क्या करना है, यहां तक जो हमने वैल्यू कैलकुलेट की है यहां से लेके यहां तक, तो ये किस में कन्वर्ट हो गई, सीपी में। अब हमें सीपी से एसपी बनाना है, तो इसका मतलब फ्रैक्शन का सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, तो फ्रैक्शन का सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे 47/47/50। तो हमारा जो हमसे पूछा है वो एसपी आ जाएगा, तो सेलिंग प्राइस आंसर कर देंगे कैलकुलेट करके। तो देखो करते हैं, तो 219 से कैंसिल करके देखो ये कितनी बार हो रहा है आपका, तो यहां से 50 से इसको कैंसिल कर लेते हैं सबसे पहले, तो 50 से हमारा ये कैंसिल हो गया, कितनी बार कैंसिल हो गया, 4 बार। उसके बाद इसको देखते हैं, तो ये देखो 47 से देख लेते हैं कितनी बार कट रहा है, तो 4 × 16 5 बार देखेंगे तो 235 नहीं कट रहा। इसका मतलब 219 से ये वाली वैल्यू को आपको डिवाइड करना पड़ेगा, 219 से इस वाली वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो 2 बार तो जाएगा नहीं, बस 1 बार जाएगा, तो इससे इसको काट लो, तो 219 से ये 1 बार जाएगा। उसके बाद इसमें कितना बचेगा, 81 और 50, तो 81 और 50 कितना बचा भाई, 131 आपका बच रहा है, और पीछे बचेगा 4, 1314। 2 से देंगे तो देखो 6 बार, 9 × 54, 6 बार देख लो आप, 9 × 54 = 4, 5, 6 और 5 = 11 हासिल, 1 × 6 = 12, 13। इसका मतलब ये इससे वैल्यू आपकी 16 बार, आप काट के देख लो, मैंने यहां पर काटा है 16 बार कटेगा, तो यहां से आंसर करेंगे तो 16 बार ये कट रहा है, और 47 का मल्टीप्लाई 4 में कर लो तो 7 × 28, 7 × 28 2, 4 × 16 और 2 = 18, 188 × 16, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो 16 × 8 = 128, 8 × 48 128 में से 8 आ जाएगा, 12 चला जाएगा, 128 में फिर 12 को जोड़ेंगे तो 140, 14 बचेगा, और 16 128 में 12 को जोड़ेंगे तो 140 हो जाएगा, 0 आ जाएगा, 14 बचेगा, और 16 और 14 आपका हो जाएगा 30, तो 3008 हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो सी ऑप्शन पे है, सी ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3008। तो हमने क्या किया, सबसे पहले जो हमें फ्रैक्शन दिए थे उनको हमने कन्वर्ट कर लिया एसपीसीपी में, रेशियो में, तो ये हो जाएगा ऊपर सेलिंग प्राइस और नीचे आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। ऐसे यहां पर बाद में हानि दी थी उसको हमने कन्वर्ट कर लिया एसपीसीपी में, तो ये एसपी हो जाएगा, ये सीपी हो जाएगा। फिर सीधी सी बात है, हमें सेलिंग प्राइस दिया है, हमें इसको सीपी में बदलना है, तो नीचे सेलिंग प्राइस का रेशियो आएगा, तो सेलिंग प्राइस कितना है 219, वो नीचे आएगा 200 ऊपर आएगा, तो ये यहां से यहां तक सीपी बन गया। अब सीपी को एसपी बनाना है, तो नीचे सीपी आएगा ऊपर एसपी आएगा, तो नीचे सीपी 50 लिया ऊपर एसपी, कैलकुलेट कर लिया, आंसर आ गया 3008। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो पीछे जो हमने 2 क्वेश्चन पढ़े सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है, ठीक है, समझ में आया होगा, चलते हैं नेक्स्ट। तो देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों आज की क्लास का 4th क्वेश्चन को देखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे और करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया उसी पर आधारित है, बस चीजें थोड़ी सी अलग हैं। तो देखो मैं पढ़ के बता देता हूँ क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में। इसने कहा किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 627 रुपए की वृद्धि करने से 7/1/7% की हानि के बदले 12.5% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, ये हमसे पूछा गया है। तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है कि हमेशा जो
लाभ पर और हानि पर जो प्रभाव पड़ता है वो हमेशा एसपी से पड़ता है, क्योंकि सीपी तो आपका कांस्टेंट रहता है, सीपी तो आपका कांस्टेंट रहता है, किसी भी आर्टिकल को बनाने में लागत कितनी आई वो तो कांस्टेंट रहती है, ये आपका चेंज होता रहता है। तो अगर सेलिंग प्राइस को बढ़ाएंगे तो आपका लॉस जो है वो आपका प्रॉफिट में बदलने लगेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जितने रुपये ज़्यादा में बेचेंगे उतना ही लाभ होगा, और जब आप इसको कम करेंगे तो आपका होने वाला जो प्रॉफिट है वो आपका लॉस में बदलने लगेगा। तो यहाँ पर आपकी जो कंडीशन है बनती हैं वो तीन कंडीशन बनती हैं, उन तीनों कंडीशनों को समझ लेंगे। जब आपका ऐसे सेलिंग प्राइस में, जैसे इस क्वेश्चन में दिया है, इस प्रकार से आपको सेलिंग प्राइस में वृद्धि या कमी दी होगी, इस प्रकार से आपको सेलिंग प्राइस में वृद्धि या कमी दी होगी, तो उसमें आपकी तीन कंडीशन बनेंगी। कौन कौन सी तीन कंडीशन बनेंगी? इसमें पहली कंडीशन में एक तो आपको लाभ परसेंट दिया हो सकता है और दूसरी वैल्यू आपकी हानि परसेंट दी हो सकती है। तो जब एक लाभ परसेंट दिया हो, दूसरा हानि परसेंट दिया हो, तब आपको दोनों को जोड़ देना है, और अगर दोनों लाभ परसेंट दिए हैं तो दोनों को घटाकर परसेंटेज लेना है, दोनों लॉस परसेंट दिए हैं तो दोनों को घटाकर परसेंटेज लेना है। मतलब जब सेम प्रकार की चीजें होंगी तब तो आप घटाकर उनके परसेंटेज का अंतर लेंगे, और जब अलग अलग होंगी जैसे लाभ और हानि तो आप दोनों को जोड़कर उनका परसेंटेज लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से करेंगे क्वेश्चनों को। तो देखो अब आते हैं क्वेश्चन पर, ये जो चौथा क्वेश्चन है ये इसी प्रकार का है। इसमें सेलिंग प्राइस को 627 रुपए से बढ़ाया गया है, तो कुछ जो हानि हो रही थी वो लाभ में परिवर्तित हो गई है। मैं आपको क्वेश्चन को दोनों तरीके से बताऊंगा, परसेंटेज से भी और फ्रैक्शन से भी, लेकिन करना किससे है, जब हमें फ्रैक्शन दिए हो तब क्वेश्चन को हम फ्रैक्शन से सॉल्व करें, और जब हमें परसेंटेज दिया हो तो क्वेश्चन को परसेंटेज से सॉल्व करें। ठीक है, तो देखो भाई चौथे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो क्या कह रहा है। उसने कहा है एक वस्तु के विक्रय मूल्य को 627 रुपए से बढ़ाया गया, एक वस्तु के विक्रय मूल्य को 627 रुपए से बढ़ाया गया, ये उसने दिया है। एक वस्तु के सेलिंग प्राइस में इंक्रीज किया गया है 627 से। तो जब सेलिंग प्राइस को बढ़ाएंगे तो इसकी वजह से क्या हुआ है कि पहले होने वाली 7/1/7% की हानि जो है वो 12/1/2% लाभ में बदल गई है, बस ये दिया है। तो यहां पर हानि थी, यहां पर लाभ था, तो साइन अपोजिट का मतलब दोनों जुड़ेंगे, तो दोनों जुड़ेंगे। अब आप पर डिपेंड करता है कि या फ्रैक्शन दिया है तो हम फ्रैक्शन से जाएंगे, और परसेंटेज परफेक्ट में दिया होगा तो चाहे हम परफेक्ट में परसेंटेज से करें या फ्रैक्शन से, किसी भी करें, क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हम यहां फ्रैक्शन से चलते हैं, तो 7/1/7% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो 7/1/7% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/14। ठीक है, ऐसे 12.5% का फ्रैक्शन मान कितना होता है 1/8, दोनों को ऐड करेंगे 1/14 और 1/8 को, तो 14 और 8 का एलसीएम आ जाएगा 56, 14 चौक 56 और 8 7 56, तो फ्रैक्शन बनेगा 11/56। ये जो 11/56 निकल के आएगा, ये जो विक्रय मूल्य बढ़ाया गया है उसकी वैल्यू होगी, तो इतने रेशियो का मान बराबर होगा 627 के। तो यहां से 11 से इसको कैंसिल करेंगे, 11/5 55 और 11/7 57, 57 बार कटेगा, तो यहां से 1 रेशियो का मान हमारा निकल के आ जाएगा 56/57, ये आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, तो देखो कैलकुलेट करेंगे इसको, तो करेंगे 7 6 42 और 2 4 35 और 4 39 मल्टीप्लाई 6 5 30 0 3 25 और 3 28, तो हमारा आ जाएगा ये 29, 8 और 3 11 1 3192 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। कौन से ऑप्शन पे 3192 भाई? 3192 ए ऑप्शन पे है, तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 3192। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन को करना है, एक लॉस दिया था हमें और दूसरा क्या दिया था, प्रॉफिट, तो मैंने दोनों को जोड़ दिया। अगर यहाँ पे दोनों प्रॉफिट प्रॉफिट दिए होते तो मैं दोनों को घटा देता, और अगर दोनों लॉस लॉस दिए तो मैं दोनों को घटा देता, और यहां से 1 रेशियो का मान जो होता है वही आपका कॉस्ट प्राइस होता है अगर हम फ्रैक्शन से करेंगे तो, और अगर हम परसेंटेज से करेंगे तो 100% का मान जो होता है वो कॉस्ट प्राइस होता है। और मैंने आपको बताया है कि फ्रैक्शन में 100% का मान ही तो फ्रैक्शन में एक होता है, तो 1:100% ही तो हो गया, तो यही कॉस्ट प्राइस होगा। अब देखो हम जो है अगर इसी क्वेश्चन को परसेंटेज से करें तो कैसे करेंगे, इसी क्वेश्चन को परसेंटेज से करेंगे तो फिर परसेंटेज में चीजें चलेंगी लेकिन क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं बदलेगा।
सात से ही एक बटे सात और बारह से एक बटे दो को जोड़ेंगे तो कितना परसेंट हो जाएगा, तो बारह और सात उन्नीस, और एक बटे सात और एक बटे दो को जोड़ेंगे तो नीचे तो आएगा सात दूनी चौदह, ऊपर और सात और जो कर दो, उन्नीस से ही नौ बटे चौदह प्रतिशत का मान बराबर होगा, कितना अंतर आया है सेलिंग प्राइस में 627 के। यहां से आप 1% का मान निकालेंगे तो 1% का मान निकालेंगे, और क्रय मूल्य के लिए 100% का मान निकालेंगे तो आपका आंसर वही आएगा जो मैंने अभी बताया था 3219, कितना बताया था 3192 आपका इससे आंसर आएगा। आप घर पे बैठ के इस काम को करके देखेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने जो बताया है आपको ट्रिक समझाई है उससे करेंगे, एक अगर लॉस है और दूसरा प्रॉफिट है तो दोनों को जोड़ेंगे। ये कंसेप्ट भी बहुत सारे टॉपिकों में काम करने वाला है, ये अकेला लाभ हानि तक सीमित नहीं रहेगा। इससे हमने परसेंटेज में भी क्वेश्चन करे हैं पीछे कि एक संख्या को इतने से बढ़ा दिया तो पहले जो 10% कमी जो है 20% वृद्धि में बदल जाती है, तो वही वाली चीज हम यहां कर रहे हैं कि संख्या में अगर सेलिंग प्राइस बढ़ा रहे हैं तो लॉस जो है प्रॉफिट में बदल रहा है, ठीक है। ऐसे ही इसी पर आधारित और क्वेश्चन देखते हैं। तो देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको फोर्थ क्वेश्चन बता दिया, आपका फिफ्थ क्वेश्चन बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए है, जो मैंने बताया सेम उसी पर आधारित होगा। मैं आपको पढ़ के बता देता हूं फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहा है किसी फर्नीचर को जब 1100 रुपए में बेचा जाता है तो व्यापारी को 12% का नुकसान हो जाता है, अगर इसे 13375 में बेचा जाए तो व्यापारी को होने वाला नुकसान या फायदे का प्रतिशत ज्ञात करो। ये तो मैं आपको पीछे करा चुका हूं, फिर से ये एक बार क्वेश्चन आ गया है तो चलो इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव को देखेंगे भाई। उसने कहा है कि फर्नीचर को जब 1100 रुपए में बेचा जाता है तो बताइए ये 1100 रुपए विक्रय मूल्य होगा कि क्रय मूल्य। तो लैंग्वेज में क्या कह रहा है पढ़ के देखो, 1100 रुपए में बेचा जाता है मतलब बेचने की बात कर रहा है, तो इसका मतलब ये एसपी होगा, सेलिंग प्राइस होगा। आगे पढ़ते हैं, फिर वो कह रहा है तो फर्नीचर में 12% का नुकसान हो जाता है, तो इसका मतलब इतने में बेचने से 12% नुकसान हुआ है, तो इसका मतलब 12% की हानि हुई है। तो 12% हानि का फ्रैक्शन कितना बनेगा भाई, 22/25, क्योंकि 12% कितना होता है 3/25, हानि है तो घटा कर लिखेंगे 22/25, ये फ्रैक्शन बनेगा। तो इसका मतलब एसपी से सीपी निकालना है, तो फ्रैक्शन का उल्टा करके मल्टीप्लाई करेंगे 25/22, ठीक है। फ्रैक्शन का उल्टा करके मल्टीप्लाई करेंगे क्यों, क्योंकि एसपी से सीपी बनाना है, तो यहां तक का जो मान है वो अब क्रय मूल्य बन गया। अब उसने कहा है कि अगर उसे 13375 में बेचा जाए, मतलब हमें दूसरा सेलिंग प्राइस उसने दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है 13375, मतलब अगर हमें सीपी और इसका पता लग जाए तो बाद वाला लाभ परसेंट हम बता देंगे, तो सीपी हमें यहां से पता लग जाएगा। 11 से इसको कैंसिल करेंगे दो बार, दो से इसको कैंसिल करेंगे 50 बार, 50 × 25 में करेंगे तो सीपी आ जाएगा आपका 1250। सीपी कितना आ जाएगा 1250, 1250 इस वस्तु का सीपी था, और इस वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो कह रहा है कि अब इसको 1375 में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो सॉरी ये 1375 में बेचने की बात कर रहा है, इसको 1375 में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो बताइए 1250 की चीज को 1375 में बेचेगा और हमें लाभ प्रतिशत बताना है, तो लाभ परसेंट बताने के लिए पहले तो लाभ पता होना चाहिए कितने का हुआ है, तो एसपी में से सीपी को माइनस करेंगे तभी तो लाभ निकल के आएगा। तो 5 में से 0 गया 5, 7 में से 5 गया 2, और 125 रुपए का लाभ होगा, 125 रुपए का लाभ सीपी पर होगा, तो सीपी कितना है 1250 पर और मल्टीप्लाई 100, तो इसका मतलब हमारा आंसर आ जाएगा 10%, तो इसका मतलब आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का 10%। जैसे मैंने पीछे क्वेश्चन करा दिए हैं इस टाइप के, एक क्वेश्चन फिर से आ गया था तो इसका आंसर 10% हो जाएगा, बट 10% जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1100 रुपए में बेचने पर 12% की हानि हो रही थी, तो ये 10% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आज की क्लास का 6वां क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करने की कोशिश करेंगे। 6th क्वेश्चन मैं पढ़ के बता देता हूं क्या कह रहा है क्वेश्चन में। तो 6th क्वेश्चन में कह रहा है एक पुस्तक विक्रेता एक किताब को विक्रय मूल्य पर 20% की हानि पर बेचता है, यदि वह किताब को 112 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 10% लाभ होता, तो किताब का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो भाई इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 6 है आज की क्लास का, अगर इसने जो पहले वाला 20% है ये क्रय मूल्य पर दिया होता तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता, जैसे मैंने पीछे क्वेश्चन कराया सेम उसी प्रकार से हो जाता।
लेकिन यहां पर इसने पहले वाला जो 20% है वो विक्रय मूल्य पर दिया है, और वो कह रहा है फिर इसको 112 रुपए अधिक में बेचा जाए तो उसको 10% लाभ होता है। तो बताइए जो कॉस्ट प्राइस आर्टिकल का कितना है, ये उसने पूछा है, क्रय मूल्य ज्ञात करो। ठीक है, तो 20% हानि पर बेचता है, तो पहला वाला जो है लॉस पर बेच रहा है, लॉस पर बेच रहा है, लेकिन लॉस को कैलकुलेट कर रहा है एसपी पर, और ये लॉस उसने दिया है हमको 20%। ठीक है, बात को बिल्कुल ध्यान से समझना। तो पहले इस 20% लॉस को आपके पास करने के कई तरीके हैं क्वेश्चन को करने के। तो पहले हम ऐसा करते हैं कि जो 20% का लॉस है इससे हम सीपीएसपी और उसका रेशियो बना लेते हैं। तो 20% लॉस, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/5, तो ऊपर आ जाएगा लॉस और नीचे आ जाएगा एसपी। क्यों आ जाएगा एसपी, वैसे सीपी आता है लेकिन एसपी क्यों आ जाएगा, क्योंकि लॉस को विक्रय मूल्य पर कैलकुलेट कर रहे हैं। एसपी 5 लॉस 1, तो सीपी निकालेंगे आर्टिकल का, तो सीपी कितना हो जाएगा, तो हानि के केस में सीपी ज्यादा होता है, तो 5 और 1 कितना हो जाएगा 6। बात को ध्यान से समझना। फिर उसके बाद वो कह रहा है कि यदि विक्रय मूल्य को 112 रुपए से बढ़ा दिया जाए तो उसे 10% का लाभ हो जाता है, मतलब 10% लाभ होता है, और एसपी पर नहीं कहा तो इसका मतलब सीपी पर होगा। तो 10% लाभ का फ्रैक्शन कितना बनेगा, 11/10। तो नीचे तो आएगा हमारा सीपी और ऊपर आएगा हमारा एसपी। तो देखो ये भी आर्टिकल का सीपी है और ये भी आर्टिकल का सीपी है, तो एक ही आर्टिकल के क्रय मूल्य अलग अलग तो हो नहीं सकते, समान होने चाहिए। तो समान होने चाहिए लेकिन नहीं है, तो करने पड़ेंगे। तो इसमें अगर मैं 5 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 30 हो जाएगा, और इसमें अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी 30 हो जाएगा, तो समान हो जाएंगे। लेकिन 5 का मल्टीप्लाई यहां किया है तो यहां भी करना पड़ेगा और यहां भी करना पड़ेगा, ऐसे 3 का मल्टीप्लाई यहां किया है तो यहां भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला बाद वाला सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 11/33, और पहला वाला सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो 5 × 5=25। इन दोनों विक्रय मूल्यों में अंतर हमें दिया है 112, तो दोनों विक्रय मूल्यों में कितने का अंतर है, तो 33 में से 25 को माइनस करेंगे तो दोनों विक्रय मूल्यों में अंतर आ रहा है 8। 8 रेशियो की वैल्यू उसने बराबर दी है 112 के। एक रेशियो का मान निकालेंगे तो 14 बार कट जाएगा। हमसे पूछा है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य के लिए कितने रेशियो का मान निकालेंगे, 30 रेशियो का मान, तो सीपी निकालेंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा हमारा 14 × 30, तो 14 × 3=42, क्रय मूल्य आ जाएगा 420। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। कौन से ऑप्शन पे है भैया 420, 420 आपका ऑप्शन पे दिया है बी पे, तो बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा करेक्ट, बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमने क्या किया, पहले वाला जो 20% था वो इसने एसपी पे दिया था, तो हमने क्या किया कि उससे पहले सीपीएसपी एमपी निकाल लिए, फिर उसके बाद हमें दूसरा लाभ परसेंट दिया था उससे सीपीएसपी निकाल लिए। उसके बाद हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि एक ही आर्टिकल के क्रय मूल्य अलग अलग नहीं हो सकते, उनको समान करना पड़ेगा, तो मैंने समान कर लिया, रेशियो बन गए। पहला वाला विक्रय मूल्य 25 था, उस पर हानि 5 की थी और सीपी बन रहा था 30, दूसरे वाले केस में 30 सीपी और 33 एसपी। उसने कहा दोनों विक्रय मूल्य, उसने कहा अगर वह 112 रुपए अधिक पर बेचता, तो इस लैंग्वेज का मतलब क्या है, 112 रुपए अधिक पर बेचने का मतलब अब वाला विक्रय मूल्य पहले वाले से 112 ज्यादा है, तो पहले वाला कितना था 25, अब वाला कितना है 33, तो कितना ज्यादा है 8, तो 8:112 के बराबर। एक रेशियो निकाल लिया सीपी के लिए, 30 रेशियो निकाल लिया, एक तरीका तो ये हो गया। उसके अलावा आप इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, इसके अलावा आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं जो मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि प्रॉफिट प्रॉफिट घटा देते हैं, हानि हानि घटा देते हैं, प्रॉफिट हानि जोड़ देते हैं। तो उसके लिए, लेकिन उससे करने के लिए सेलिंग प्राइस कितना बढ़ा है, बात को ध्यान से समझना, सेलिंग प्राइस कितना बढ़ा है, तो आप कहेंगे सर 112 बढ़ा है। इस 112 बढ़ने की वजह से क्या हुआ है कि पहले जो 20% की हानि हो रही थी वो 10% लाभ में बदल गई, लेकिन ये जो 20% ये वाला जो लाभ है ये तो है सीपी पर, और ये 20% दिया है एसपी पर, तो पहले इसको कन्वर्ट करके सीपी पे करो, पहले इसको कन्वर्ट करके सीपी पर करो। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/5, ये हमारे एसपी पर है और ये ऊपर लॉस, तो सीपी कितना हो जाएगा 6। तो अब 1 को 6 पर कैलकुलेट करेंगे तो हानि आएगी 16/2/3%। अब देखो एक हानि एक लाभ, तो दोनों जुड़ जाएंगे, फ्रैक्शन में है तो सीधा 1/6 और 10% का 1/10, जोड़ लें दोनों को, तो 10 और 6 का एलसीएम 30 आ गया। 6 से देंगे 5 बार और 10 से देंगे 3 बार, अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं, तो 8/30
रेशियो की वैल्यू बराबर है कितने के, 112 के। 8 से कैंसिल करेंगे, 8 एकम 8, 8 छक 32, तो एक रेशियो का मान कितना आ जाएगा, आ जाएगा 30 मल्टीप्लाई 14, 14 थी 42, तो एक रेशियो का मान ही क्या होता है, क्रय मूल्य। तो आंसर कितना आ जाएगा, 420 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो आप चाहें तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये क्या किया हमने, हमने क्या किया कि पहले जो हमें लॉस परसेंट जो है एसपी पर दिया था, इसको कन्वर्ट करके पहले सीपी पर कर लिया, वो सीपी पर 16 से ही 2/3% का आया। अब दोनों सीपी पर हो गए, अब हमारा वही कंसेप्ट कि एक हानि है एक लाभ है, तो दोनों जुड़ेंगे। मैंने जोड़ लिया 1/6 1/10 को, इतने रेशियो का मान बराबर रख देंगे, जितना विक्रय मूल्य बड़ा है उसके, वहां से एक रेशियो का मान निकालेंगे, वही वस्तु का क्रय मूल्य होगा जो कितना है, 420 है। तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने दोनों तरीके बताए, जो आपको बेटर लगे उससे आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो क्वेश्चन को कैसे भी कर लो, आप कहीं भी नहीं फंसोगे। बस आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये विक्रय मूल्य पर कह रहा है तो हमें नीचे एसपी लेना है, अगर क्रय मूल्य पर कह रहा है तो हमें नीचे सीपी लेना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। आज की क्लास का 7th क्वेश्चन, बस इन चीजों को समझना है आपको। 7th क्वेश्चन को मैं पढ़ के बता देता हूँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे समझेंगे करेंगे, मैं भी आपको बता देता हूँ क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। तो देखो, एक व्यापारी प्रतिशत लाभ को लागत मूल्य पर गणना करता है, ठीक है, तथा दूसरा व्यापारी विक्रय मूल्य पर गणना करता है। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन, समझेंगे क्वेश्चन को। उसने कहा दोनों ने 6000 रुपए में अपनी अपनी वस्तुएं बेची और दोनों ने 20% लाभ कमाने का दावा किया, तो उनके द्वारा अर्जित यथार्थ लाभों का अंतर बताइए। तो एक्चुअली क्या होता है, वैसे तो लाभ को हमेशा क्रय मूल्य पर कैलकुलेट करते हैं, तो जो दुकानदार लाभ को क्रय मूल्य पर कैलकुलेट कर रहा है वो बिल्कुल सही कैलकुलेट कर रहा है, उसका लाभ प्रतिशत बिल्कुल सही है। लेकिन एक वेवकूफ जो विक्रय मूल्य पर कैलकुलेट कर रहा है वो गलत कैलकुलेट कर रहा है, लेकिन वो भी अपना लाभ 20% ही बता रहा है, और दोनों वस्तु को समान मूल्य पर बेच रहे हैं, 6000 रुपए प्रत्येक बेच रहा है, ये हमको दिया है। तो हमें उसने पूछा है बताइए उनके द्वारा अर्जित यथार्थ लाभों का अंतर क्या है, उन दोनों दुकानदारों के द्वारा लाभों का अंतर क्या है। तो देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इनमें दोनों ट्रांजेक्शनों आपको अलग लेके चलना है। तो देखो दोनों दुकानदारों के ट्रांजेक्शनों को अलग लेके चलना है, तो एक दुकानदार अपने लाभ को सीपी पर कैलकुलेट कर रहा है, एक दुकानदार अपने लाभ को एसपी पर कैलकुलेट कर रहा है। तो जो दुकानदार अपने लाभ को सीपी पर कैलकुलेट कर रहा है पहले उसको कैलकुलेट करते हैं, तो जो सीपी पर कैलकुलेट कर रहा है वो भी अपना लाभ 20% बता रहा है, तो इसका मतलब उस दुकानदार में भी 20% लाभ का दावा कर रहा है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, तो नीचे उस दुकानदार की वस्तु का क्रय मूल्य आएगा, ऊपर लाभ आएगा, और अगर एसपी निकालेंगे तो एसपी आएगा 5/6। ये उस दुकानदार का ट्रांजेक्शन है टोटल जो सीपी पर कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है। अब एक दूसरा दुकानदार 20% ही लाभ कैलकुलेट कर रहा है लेकिन एसपी पर कैलकुलेट कर रहा है, अब इसका ट्रांजेक्शन देखो, तो इसका भी लाभ परसेंट 20% ही है, तो इसका मतलब ये भी अपना लाभ परसेंट 20% बता रहा है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 ऊपर आ जाएगा ट्रांजेक्शन का लाभ, और नीचे अब आएगा सीपी नहीं एसपी, क्योंकि ये दुकानदार अपने आर्टिकल को एसपी पर कर रहा है। तो विक्रय मूल्य 5, प्रॉफिट 1, तो सीपी निकालेंगे तो कितना होगा, 4, क्योंकि विक्रय मूल्य ज्यादा होता है लाभ के केस में, तो क्रय मूल्य कम होगा। अब उसके बाद उसने कहा है कि दोनों प्रतीक वस्तु को 6000 में बेच रहे हैं, इसका मतलब दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तो हमने जो रेशियो बनाए हैं क्या इससे विक्रय मूल्य समान है, तो यहां पर विक्रय मूल्य का रेशियो है 6 और यहां पर विक्रय मूल्य का रेशियो है 5, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन में उसने स्पष्ट कहा है कि दोनों ने 6000 रुपए में अपनी अपनी वस्तुएं बेची, मतलब दोनों के विक्रय मूल्य समान है, विक्रय मूल्य समान है तो यहां पर समान नहीं है, तो इनको समान करना पड़ेगा। तो समान करने के लिए इसमें अगर मैं 5 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 30 हो जाएगा, जब ये 30 आ जाएगा तो इसमें मैं 6 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी 30 हो जाएगा, लेकिन कि पूरे रेशियो में किसी एक निश्चित नंबर में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे रेशियो में करेंगे, मतलब 5 का अगर यहां किया है तो 5 का मल्टीप्लाई यहां भी करेंगे और यहां भी करेंगे, ऐसे ही यहां पर 6 का किया है तो 6 का मल्टीप्लाई यहां भी करेंगे और यहां भी करेंगे। अब देखो एक रेशियो का मान निकालने के लिए आपको क्या दिया है, तो उसने कहा है दोनों दुकानदारों में से प्रत्येक अपनी वस्तु को 6000 में बेचता है, इसका मतलब विक्रय मूल्य दिया है, तो विक्रय मूल्य का रेशियो कितना, 6:5:30, तो 30 रेशियो की वैल्यू उसने बराबर दी है 6000 के, 30 से 60 कैंसिल हो जाएगा 2 बार,
तो एक रेशियो की वैल्यू बराबर आ जाएगी 200 के। पूछा क्या है, उसने कहा है दोनों के वास्तविक लाभों में अंतर बताइए। तो इसका लाभ कितना रेशियो 5:5, इसका लाभ कितना रेशियो 6:6। तो जो एसपी पर कैलकुलेट कर रहा है उसने लाभ ज्यादा कमाया है, और कितना ज्यादा कमाया है, तो यहां 5:5, यहां 6:6, 1:1 ज्यादा कमाया है। इसका मतलब 1:1 का जो मान है यही दोनों के लाभों में अंतर होगा। तो P1 - P2 दोनों के लाभों में अंतर बराबर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों 200 रुपए के। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 200 रुपीज। तो ऐसे जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाए जिसमें एक दुकानदार सीपी पर कैलकुलेट कर रहा हो तो उसका ट्रांजैक्शन अलग बनाए, और एक दुकानदार एसपी पर कैलकुलेट कर रहा हो तो उसका ट्रांजैक्शन अलग बनाए, उसके बाद दोनों में जो कॉमन चीज दी है उसको आप समान कर लें, और समान करने के बाद रेशियो बना लें, हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसी प्रकार के नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आपकी प्रैक्टिस के लिए सेम पीछे वाले क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन 8th क्वेश्चन, क्वेश्चन को देखेंगे समझेंगे करने की कोशिश करेंगे, आपकी प्रैक्टिस के लिए भाई। और मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखो 8th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक व्यापारी प्रतिशत लाभ को लागत मूल्य पर गणना करता है और एक दूसरा व्यापारी उसको विक्रय मूल्य पर गणना करता है। दोनों ने 3760 रुपए में अपनी वस्तुएं बेची तो दोनों ने 17.5% लाभ कमाने का दावा किया, तो उनके द्वारा अर्जित यथार्थ लाभों का अंतर क्या है, ये पूछा है। क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम है जो मैंने 7th कराया था उसके जैसा ही है भाई। तो ये क्वेश्चन आपका आंसर आ जाना चाहिए, नहीं आया है तो यहां पर समझेंगे, जिनका आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। देखो 8th क्वेश्चन, तो 8th क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक व्यापारी प्रतिशत लाभ को लागत मूल्य पर, दूसरा जो है वो एसपी पर गणना करता है। तो इसका मतलब पहले सीपी पर जो गणना कर रहा है उसका ट्रांजेक्शन बनाओ। तो सबसे पहले जो सीपी पर कैलकुलेट कर रहा है, जो सीपी पर कैलकुलेट कर रहा है उसका बनाइए। तो लाभ परसेंट उसका कितना है, तो उसने कहा है 17.5%। तो 17.5% का सबसे पहले फ्रैक्शन मान बनाइए। तो 17.5% का फ्रैक्शन मान कितना हो जाएगा भाई, तो 10%, 1/10। आप चाहो तो इसको ऐसे बना सकते हैं, इधर 17.5% का मतलब होता है 17 / 1/2, ये होगा। तो 1/2, 17 × 2 = 34, 35/2, तो ये हो जाएगा आपका 35/2%, ऐसे कर सकते हैं। तो 5 × 7 = 40 हो जाएगा, तो इसका फ्रैक्शन बनेगा आपका 7/40। ऐसे आप बना के देख लो, जब फ्रैक्शन ऐसा आ जाता है जो हमें याद नहीं है तो उसको हम बना के देख लेते हैं। तो 5 से कितने बार कटेगा भाई, 5 से ये कटेगा आपका 4 बार, तो इसका फ्रैक्शन आ जाएगा 7/40। तो ऊपर तो आ जाएगा लाभ और नीचे आ जाएगा सीपी, क्यों, क्योंकि ये वाला दुकानदार अपने लाभ को सीपी पर कैलकुलेट कर रहा है। एसपी निकालेंगे तो एसपी आ जाएगा 7 × 4 = 11, 7 × 4 कितना हो जाएगा 11, ये सीपी पर कैलकुलेट कर रहा है उसका रिजल्ट आ गया। ऐसे ही एक जो है अपने लाभ को बेवकूफ विक्रय मूल्य पर कैलकुलेट कर रहा है, तो इसका मतलब विक्रय मूल्य पर भी वो इतना ही लाभ बता रहा है 17.5%। तो इसकी भी फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगी 7/ जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी भाई, इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी 17.5 की, वो 7/4 नहीं 7/40 होगी, 40 होगी। तो 40 और 7 कितना बनेगा एसपी आपका 47 बनेगा। अभी हमने बनाया था इधर देखो 17.5 का बनाया था, 17 / 1/2%, 17 × 2 = 34 और 35/2%, 35/2%, तो ये हो जाएगा 5 से 7 बार, 5 × 6 = 20, 7/40 सही है, तो ये बनेगा। ऐसे यहां पर 7/40, तो 7/40 में ये एसपी पर कैलकुलेट कर रहा है तो ऊपर तो लाभ ही आएगा लेकिन नीचे आएगा एसपी। सीपी निकालेंगे तो लाभ के केस में सीपी कम होता है, 40 में से 7 को घटाएंगे तो सीपी आएगा आपका 33, ठीक है। तो ये दोनों व्यापारियों का ट्रांजेक्शन आ गया। अब उसके बाद उसने क्या कहा है, अब उसने ये कहा है कि दोनों के विक्रय मूल्य समान है, मतलब दोनों समान विक्रय मूल्य पर बेच रहे हैं, तो विक्रय मूल्यों को समान करना पड़ेगा। तो यहां पर विक्रय मूल्य है 47, यहां पे है 40, ऐसा नहीं होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो समान करने के लिए इसमें मैं कर दूं 40 का मल्टीप्लाई और इसमें मैं कर दूं 47 का, तो बताइए समान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यहां भी 47 40, यहां भी 47 40, समान हो जाएगा। लेकिन 40 का जब यहां कर रहे हैं भाई तो 40 का मल्टीप्लाई यहां भी करना पड़ेगा और यहां भी करना पड़ेगा, नीचे यहां भी करना पड़ेगा और यहां भी करना पड़ेगा। अब इसके जो मन में हो हमसे वो पूछ ले, हम सब बता देंगे, हमारे पास सारे रेशियो हैं। लेकिन एक रेशियो का मान निकालने के लिए हमें क्या दिया है, एक रेशियो का मान निकालने के लिए उसने विक्रय मूल्य दिया है
और विक्रय मूल्य कितना दिया है भाई, तो उसने विक्रय मूल्य दिया 3760, तो इसका मतलब विक्रय मूल्य 47 और मल्टीप्लाई 40, इस रेशियो की वैल्यू हमें बराबर दी है 3760 की, ये वाली भी अच्छे वैल्यू दी है, तो यहां से कैंसिल कर लो। देखो जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 47 से इसको कैंसिल करेंगे तो 8 6 32, 7 8 56, मतलब 47 से ये आपका 8 बार कट जाएगा, 4 से ये आपका 2 बार कट जाएगा, तो एक रेशियो की वैल्यू बराबर आ गई 2। उसने पूछा वास्तविक लाभों में अंतर, तो वास्तविक लाभों में अंतर निकालो, तो यहां पर लाभ कितना है 40 मल्टीप्लाई 7, यहां पर लाभ कितना है आपका 47 मल्टीप्लाई 7, यहां पे आपका लाभ कितना है प्यारे विद्यार्थियों 47 मल्टीप्लाई 7, नीचे वाले में भाई 47 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 40 का नहीं, नीचे वाले में 47 का कर रहे हैं पूरे रेशियो में, ऊपर वाले में 40 का, तो यहां लाभ है 47 मल्टीप्लाई 7, यहां है 40 मल्टीप्लाई 7, तो ये ज्यादा होगा सीधी सी बात है, क्योंकि 7 में यहां 40 का मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां 47 का, कितना ज्यादा होगा तो 40 और 47 का अंतर 7 मल्टीप्लाई 7, मतलब 49 रेशियो का मान हमें निकालना है, तो 49 रेशियो का मान निकालेंगे तो 49 रेशियो का मान यहां से बराबर आ जाएगा 49 मल्टीप्लाई 2 98, इसका मतलब दोनों के लाभों में अंतर कितना आ जाएगा 98। कौन से ऑप्शन पे है भाई, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सेम जो मैंने आपको 7th क्वेश्चन कराया था, सेम उसी प्रकार का 8th क्वेश्चन था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों आज की क्लास का 9th क्वेश्चन, आपको बोर्ड पर दिखने लग गया होगा और मैं आपको बोल के बता देता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। 9th क्वेश्चन में कह रहा है एक व्यापारी प्रतिशत लाभ को लागत मूल्य पर गणना करता है, दूसरा विक्रय मूल्य पर गणना करता है, अभी जो पीछे किया वैसा ही क्वेश्चन है, दोनों ने समान मूल्य में अपनी अपनी वस्तुएं बेची, दोनों ने 21.66% लाभ कमाने का दावा किया, यदि उनके वास्तविक लाभों का अंतर 1183 है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। पीछे वाले क्वेश्चनों में विक्रय मूल्य दिया होता था और लाभों में अंतर पूछा था, लेकिन इस क्वेश्चन में लाभों में अंतर दिया है, विक्रय मूल्य में अंतर, करने का तरीका नहीं बदलेगा, करने का तरीका सेम रहेगा, लेकिन बस रेशियो का मान निकालने वाली वैल्यू अलग दी है और हमें जो निकालना है वो मान पूछा है वो अलग दिया है, बस इतना अंतर है। तो देखो आज की क्लास का 9th क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए भाई आसानी से, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं है। तो पहले हम देख लेते हैं कि जो सीपी पर कैलकुलेट कर रहा है उसका ट्रांजेक्शन क्या बनेगा। तो जो व्यापारी सीपी पर कैलकुलेट कर रहा है वो भी अपना लाभ कैलकुलेट कर रहा है कितना परसेंट, 21.66%, तो 21.66% लाभ की सबसे पहले फ्रैक्शन मान बना लो भैया, तो 21.66% को मैं ब्रेक कर सकता हूं 16.66%, और बाकी जो बचेगा कितना बचेगा 5%, तो 16.66 1/6 होता है, 5% 1/20 होता है, इसका मतलब ये इनका दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो एलसीएम आ जाएगा 60, 6 से 10 बार, 20 से 3 बार, तो हमारा इनका फ्रैक्शन बन जाएगा 13/60, ठीक है। तो फ्रैक्शन बन जाएगा 13/60, तो पहले वाले जो पहला वाला जो व्यापारी है उसका फ्रैक्शन बनाएंगे 13/60, ये सीपी पर कैलकुलेट कर रहा है, तो नीचे इसका क्रय मूल्य आएगा, ऊपर इसका लाभ आएगा, एसपी निकालेंगे तो एसपी 60 + 13, तो एसपी कितना हो जाएगा 73। बात को बिल्कुल ध्यान से समझना, पहले रेशियो बना लिया करो। तो ये जो सीपी पर कैलकुलेट कर रहा है उसका बन गया, अब हम निकाल लेते हैं एसपी वाले का, तो एसपी वाले का भी लाभ परसेंट उतना ही है जितना है 21.66, लेकिन अंतर क्या है, अंतर ये है कि ये विक्रय मूल्य पर कैलकुलेट कर रहा है अपने लाभ को, तो फ्रैक्शन भी वही बनेगा 13/60, लेकिन नीचे वैल्यू यहां पर आएगी विक्रय मूल्य की और ये आएगा आपका लाभ। विक्रय मूल्य 60 है, लाभ 13 का हो रहा है, सीपी निकालना है, तो सीपी कैसे निकालेंगे, 60 में से 13 को माइनस करके तो सीपी निकल के आएगा, क्योंकि विक्रय मूल्य में से लाभ को घटाएंगे तभी तो सीपी आएगा, क्यों, क्योंकि लाभ के केस में एसपी ज्यादा होता है तो सीपी कम आएगा, और कम कब आएगा जब घटाएंगे, तो 60 में से 13 को माइनस करेंगे तो सीपी कितना होगा 47। उसके बाद उसने कहा कि दोनों के विक्रय मूल्य बराबर है, मतलब विक्रय मूल्य बराबर है तो विक्रय मूल्यों को समान करना पड़ेगा, तो यहां पर विक्रय मूल्य 73 आ रहा है, यहां पर 60, ऐसा नहीं होना चाहिए, समान होना चाहिए, तो समान करने के लिए 60 का मल्टीप्लाई यहां करना होगा, जब यहां करना होगा तो यहां भी करना पड़ेगा और यहां भी करना पड़ेगा, और 73 का मल्टीप्लाई इधर करना पड़ेगा, तो यहां करना पड़ेगा, तो 73 का मल्टीप्लाई यहां भी करना पड़ेगा और 73 का मल्टीप्लाई यहां भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद यहां से सारी चीजें क्लियर हो गई, चाहे वो आपसे व्यापारियों के क्रय मूल्य पूछ ले, चाहे वो विक्रय मूल्य पूछ ले, लाभों में अंतर पूछ ले, किसी का लाभ पूछे, जैसे पहले व्यापारी का लाभ बताइए तो 13/6 = 780 रेशियो, पहले व्यापारी का विक्रय मूल्य बताइए, सॉरी क्रय मूल्य बताइए तो 3600,
पहले वाले वाले व्यापारी का विक्रय मूल्य ये हो गया, पहले वाले व्यापारी का लाभ 73 × 13, पहले वाले व्यापारी का क्रय मूल्य ये, पहले वाले व्यापारी का विक्रय मूल्य ये, सारी चीज, सॉरी दूसरे वाले का, सारी चीजें आ गई। अब उसके बाद दिया क्या है ये देखो, तो उसने कहा है कि इन दोनों के वास्तविक लाभों में अंतर 1183 है। मतलब 1183 क्या दिया है भाई, 1183 दोनों के वास्तविक लाभों में अंतर दिया है। तो लाभों में अंतर देखो कितना है, तो 13 और 13 तो सही है, तो 13 को तो लिख लो, 13 तो है ही, मल्टीप्लाई यहां पर लाभ ज्यादा हो रहा है, यहां पर 60 यहां पर 73, तो कितना ज्यादा हो रहा है, 13। इसका मतलब 13 × 13 रेशियो का मान बराबर होगा इसके, 13 से इसको कैंसिल कर लो, तो 13 से कैंसिल होगा, 13 × 52 = 117 13 से ये 13 × 7 = 91, तो 1 रेशियो की वैल्यू बराबर आ जाएगी 7। विक्रय मूल्य पूछा है, तो विक्रय मूल्य के लिए कितने रेशियो का मान निकालेंगे, 73 × 60, तो SP आ जाएगा हमारा 73 × 7 × 60। कैलकुलेट कर लेते हैं, 7 × 21 = 2, 7 × 49 + 2 कितना हो गया, 51 × 60 कर लो भैया, तो ये हो गया 0, 6, 6 और 6 = 30, 30,660। कौन सी ऑप्शन पे है 30,660 भाई, ये है आपका ए ऑप्शन, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 30,660। तो पुराने वाले क्वेश्चनों में हमें ये वाली चीज देकर और लाभों में अंतर पूछता था, यहाँ लाभों में अंतर दिया है, तो मैंने ये 13, अगर किसी विद्यार्थी की समझ में ये नहीं आ रहा 13 × 13 कैसे आया, तो वो इधर समझ ले थोड़ा सा, मैंने क्या किया, इस लाभ, ये वाला लाभ ज्यादा है क्योंकि 13 × 73 है, ये 13 × 60 ही है, तो ये ज्यादा है, इसमें से इसको घटाएंगे, तो 13 × 73 में से 13 × 60 को जब घटाएंगे तो 13 तो आगे कॉमन आ जाएगा, और 73 − 60, तो ये जो दूसरा 13 है ये इन दोनों का अंतर है, ऐसे करके ये 13 × 13 है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों आज की क्लास का 10th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, जो मैंने आपको पीछे क्वेश्चन कराया उन्हीं पर आधारित है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे समझेंगे और करने की कोशिश करेंगे। 10th क्वेश्चन मैं पढ़ के बता देता हूं क्या कह रहा है, एक व्यापारी प्रतिशत लाभ को लागत मूल्य पर गणना करता है तथा दूसरे ने व्यापारी ने विक्रय मूल्य पर गणना की, उसके बाद वो कह रहा है दोनों ने 16.25% लाभ कमाने का दावा किया, यदि वास्तविक लाभों का अंतर 585 है और उनके विक्रय मूल्य का अनुपात 3:5 है, यहां पर उसने उनके विक्रय मूल्यों का अनुपात दिया, तो पहले कुछ नहीं करना भाई, पहले हमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले दोनों के सारे रेशियो बना लेने हैं, तो पहला वाला सीपी पर कैलकुलेट कर रहा है, तो जो सीपी पर कैलकुलेट कर रहा है वो भी अपना लाभ परसेंट कितना कैलकुलेट कर रहा है, तो वो भी अपना लाभ परसेंट 16.25% कैलकुलेट कर रहा है, 16.25%, तो 16.25% की सबसे पहले फ्रैक्शन वैल्यू निकालो, तो 6 × 6 = 1/4 होगा, तो 65/400 होगा, तो 5 से 13 बार कैंसिल होगा, 5 से और 400 को कैंसिल करेंगे तो 13/80 इसका फ्रैक्शन मान आएगा, तो लाभ की बात कर रहा है तो ऊपर लाभ आएगा, नीचे सीपी आएगा क्योंकि ये क्रय मूल्य पर कैलकुलेट कर रहा है, एसपी निकालेंगे तो एसपी कितना हो जाएगा 13 + 80, तो इस वाले ट्रांजेक्शन में अगर हम एसपी निकालेंगे कि हमारा एसपी कितना आएगा, तो सीपी में 13 को जोड़ देंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा 93। बात को बिल्कुल ध्यान से समझना, ये पहले वाले ट्रांजेक्शन की बात है, अब दूसरे वाले ट्रांजेक्शन को देखते हैं, जो व्यापारी सेलिंग प्राइस पर कैलकुलेट कर रहा है, तो एक व्यापारी अपने लाभ को सेलिंग प्राइस पर कैलकुलेट कर रहा है लेकिन परसेंटेज सेम है 16.25%, तो 16.25% की फ्रैक्शन वैल्यू 13/80, ये विक्रय मूल्य पर कैलकुलेट कर रहा है तो नीचे एसपी आएगा ऊपर लाभ आएगा, सीपी निकालेंगे तो सीपी लाभ के केस में कम होता है तो 80 में से 13 को माइनस करेंगे तो 10 जाएगा 70, 3 जाएगा 67, तो सीपी कितना हो जाएगा 67। अब उसके बाद यहां से आगे हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना पड़ेगा, उसने कहा है इसके बाद उनके वास्तविक लाभों का अंतर 585 है, मतलब हमें पहले वाले का लाभ P1 और माइनस दूसरे वाले का लाभ P2 का रेशियो दिया है 585 रुपीस, ठीक है एक चीज दे दी है, तो इससे हमें रेशियो का मान निकालेंगे, उसके अलावा इनके विक्रय मूल्यों का अनुपात 3:5 है, मतलब इस वाले विक्रय मूल्य और इस वाले विक्रय मूल्य का अनुपात 3:5 दिया है, तो इसको अगर मैं SP1 मान लूं
और इसको अगर मैं sp2 मान लूं तो इन दोनों का रेशियो दिया है, तो sp1 का रेशियो कितना है 93 और उस रेशियो का मान मैं r1 मान लेता हूं ऊपर वाले का, इस वाले रेशियो का मान मैं r1 मान लेता हूं, ऐसे ही नीचे कितना है 80 और इस वाले रेशियो का मान मैं r2 मान लेता हूं, जो वैल्यू उसने बराबर दी है 3 और 5 के। यही तो कहा है उसने, कहा है कि एक लागत मूल्य पर गणना करता है उसका विक्रय मूल्य 3 रेशियो है और जो आपका विक्रय मूल्य पर गणना करता है उसका 5 रेशियो। कैंसिल कर लो भाई, तो 3 से कितने बार कट जाएगा 31 बार, 5 से कितने बार कट जाएगा 16 बार, तो इसका मतलब 31 आर वन 31 आर वन की वैल्यू बराबर आ जाएगी आपकी 16 आर टू, यहां से आर वन और आर टू आ गए, आर वन का मान 16 आ गया और आर टू का रेशियो 31 आ गया, R1 रेशियो R2 हमारे पास आ गया भाई, तो R1 का रेशियो कितना आ गया 16 और R2 का मान कितना आ गया 31, मतलब पहले वाले रेशियो का मान 16 होना चाहिए और दूसरे वाले रेशियो का मान 31 होना चाहिए, तो दोनों के लाभों में अंतर दिया है, तो पहले तो दोनों के लाभों में अंतर निकालो। तो देखो क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यहां से आगे तो दोनों के लाभों में अंतर निकालो, तो पहले का लाभ कितना है 13 रेशियो और R1 इसका मान है, तो इसका मतलब R1 का रेशियो 16, तो हम लिखेंगे यहां तो मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 16 और मल्टीप्लाई 16 और R2 जो रेशियो उसका मान हम रखेंगे यहां, R2 जो रेशियो 31 उसका मल्टीप्लाई करेंगे यहां, तो ये हो जाएगा 31 मल्टीप्लाई 31 और मल्टीप्लाई 31। अब यहां से आप sp1 और sp2 निकालेंगे तो 3 5 आएगा, नहीं तो आप निकाल के देख लो, देखो 31 से 3 बार कट जाएगा ये और 16 से 5 बार, 3 5 आ रहा है, इसका मतलब हमारा रेशियो बिल्कुल सही है, अब हम क्वेश्चन को अप्लाई कर सकते हैं। तो ठीक है, तो देखो मैंने जो रेशियो निकाला इस वाली बात को मैं हटा देता हूं जिससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, दोनों लाभों में अंतर दिया है 585, तो पहले देखो दोनों लाभों में अंतर है कितना, तो देखो लाभ में अंतर देखते हैं, तो 16 मल्टीप्लाई 13 और 13 मल्टीप्लाई 31, मतलब 13 तो दोनों में कॉमन है तो वो तो आपका आएगा ही आएगा, मल्टीप्लाई ये वाली ज्यादा है क्योंकि 31 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 31 में से 16 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 15, तो 13 मल्टीप्लाई 15 रेशियो का मान 585, तो 13 से कैंसिल कर दो भैया 585 दिया है, 13 चौक 52 13 5 65 15 से कैंसिल करेंगे 3 बार, तो एक रेशियो का मान बराबर आ गया 3। पूछा क्या है ये देख लो, दोनों विक्रय मूल्यों में अंतर, तो एक रेशियो का मान 3 है, दोनों में हमें अंतर पूछा है, तो यहां से पहले आप क्या करें, दोनों विक्रय मूल्यों में अंतर पूछा है तो 93 मल्टीप्लाई 16 कर लो या 31 मल्टीप्लाई ये, तो ये वाला कितना बनेगा आपका विक्रय मूल्य ये निकाल लो, तो ये बनेगा आपका 16 3 48 8, ये विक्रय मूल्य कितना बनेगा मल्टीप्लाई करेंगे 16 3 48 8 4 बचेगा और 16 में 144 और 4 148 ये इतना बन रहा है, इसको बनाएंगे ये कितना बन रहा है, तो ये आपका बन रहा है 0 8 8 3 2480, दोनों का अंतर पूछा है तो 2480 में से इसको घटा दो, उतने रेशियो का मान हमें निकालना है, तो देखो 10 में से 8 गया तो कितना बचेगा 2, यहां पे कितना बचेगा 7, फिर यहां से लेंगे 17 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 9, यहां पे कितना बचा 23, 23 में से आपका 24 जाएगा तो कितना बचेगा 9, 992 रेशियो का मान हमसे पूछा है तो 992 और मल्टीप्लाई 3, तो यह जाएगा 3 × 6 9 3 27 2 9 3 27 और 2 2976 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था भाई, 2976 देखो 2976 दिया ए ऑप्शन पे, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था आज की क्लास का ये, जिसमें सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस पर वैल्यूज कैलकुलेट की जा रही थी दो दुकानदारों के द्वारा। तो प्यारे विद्यार्थियों वैसे तो वैल्यूज को हम कैलकुलेट हमेशा सीपी पे करते हैं, लेकिन अगर वो क्वेश्चन में कहता है तो फिर हम वैल्यूज को एसपी पर भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर ऐसे क्वेश्चन भी हमसे एग्जामों में पूछे जाते हैं, उनको आज हमने डिस्कस किया, तो इन क्वेश्चनों में आप दोनों चीजों को बिल्कुल क्लियर करके अलग अलग लिख लें जिससे कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो इससे आगे चलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के और कुछ नए क्वेश्चनों के साथ अगली क्लास में बहुत ही जोश और उमंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, सही रहें, स्वस्थ रहें।